जय श्री श्याम। मैं हूं नंद किशोर जोशी, एग्जीक्यूटिव एडिटर क्रांति उड़ीसा मीडिया यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं कटक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इन दिनों चल रहा बहुत बड़ा 155 करोड़ का घोटाला। इसी 155 करोड़ के घोटाले को लेकर कटक की राजनीति अभी बहुत गर्मा गर्म हॉट हो रखी है। वो इसलिए हो रखी है कि यहां पर कटक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 155 करोड़ के बिना टेंडर के यहां काम हो रहा है और अभी हाल में 3-4 दिन के नीचे ही उसकी आधारशिला माने फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है उन सारे प्रोजेक्ट्स के, वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के। बात यह है कि जब इतना बड़ा 155 करोड़ रुपया खर्चा होगा कटक में, वो भी करीब एक साल के अंदर, तो कम से कम उसका जो नियम बोलता है कि उसका टेंडर पास होना चाहिए, सरकारी नियम बोल रहा है, लेकिन उसके कोई टेंडर प्रोसेस यहाँ हुआ नहीं। उसके डीपीआर, जो कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट करने के पहले डीपीआर होता है, वो डीपीआर प्रिपरेशन हुआ नहीं, टेंडर प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ नहीं, टेंडर को बुलाया नहीं गया, किसी ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। रातों रात क्या हुआ चमत्कार भगवान जाने, लेकिन सरकारी 4 संस्थाओं को काम अलॉटमेंट कर दिया गया। जब यही बातें सब मीडिया में छन छन के आई पिछले सप्ताह में, तब यहाँ पर बहुत हल्ला हुआ। सारी पार्टी के लोग, बीजेपी, बीजेडी और कांग्रेस वालों ने, कॉर्पोरेटर लोगों ने बहुत हल्ला मचाया कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तब जाके लोगों को मालूम हुआ, कटक के लोगों को मालूम हुआ। उसके बाद तब जाके मेयर को और दूसरे जो लोग सब इसमें इन्वॉल्व हैं, वो लोगों को मुंह दिखाने लायक पोजिशन नहीं रही। तब भी उन्होंने क्या किया कि चुपचाप गुपचुप तरीके से 155 करोड़ के को काम को, ठेके को सरकारी 4 संस्थाओं को दे दिया एवं अपने पार्टी के कॉर्पोरेटर को ऊपर प्रेशराइज करके उसको काउंसिल में पास भी करा दिया पिछले सप्ताह। वहां काउंसिल में जब बीजेपी और कांग्रेस, आपको सबको मालूम है सारे भारतवर्ष की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस की कहीं पटती नहीं है, किसी जगह नहीं पटती है, लेकिन कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दोनों के दोनों अपोजिशन में है और दोनों के दोनों ही बीजेडी काउंसिल में और मेयर के ऊपर बहुत हमलावर थे। दोनों साथ साथ एक ही स्वर में बात कर रहे थे, दोनों बड़े हमलावर थे कि 150 करोड़ से ज्यादा का टेंडर काम है और आपने कोई टेंडर फ्लोट नहीं किया, कोई डीपीआर नहीं बनाए, कोई उसमें पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, 4 सरकारी संस्थाओं को आधी रात को आप बुला के उनको काम दे दिए हैं, उसकी स्वच्छता कैसे रहेगी, किसी को कुछ मालूम नहीं। बहुत जबरदस्त हल्ला हुआ पिछले सप्ताह काउंसिल की मीटिंग में। फिर आधा घंटा एक घंटा काउंसिल मीटिंग पोस्टपोन भी हुई। पुनः जब काउंसिल मीटिंग हुई तब बीजेडी वालों ने, जो पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें बीजेडी वालों ने भी दबी जबान से मेयर के विरुद्ध में या काउंसिल के प्रस्ताव के विरुद्ध में उस समय भी बोले, लेकिन जब आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद फिर जब मीटिंग हुई तो वो लोग प्राय मौन हो गए, लेकिन बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कॉर्पोरेटर लोग हमलावर ही रहे एवं उन्होंने लास्ट दब तक वो उसका विरोध करते रहे, लेकिन उनके विरोध की कोई सुनाई हुई नहीं एवं उसको जबरदस्ती एक तरीके से पास किया गया। बात यह है कि 150 करोड़ के बिना टेंडर के ये जो काम दिया है सरकारी संस्थाओं ने, जो मेयर साहब ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बोला है क्या हमने सरकारी संस्थाओं को दिया, और भाई उन कल यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं बारावटी कटक के, वो किसी भी पार्टी के हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, मेयर भी किसी पार्टी के हो उससे हम लोग को कोई मेयर कोई हम लोग को मतलब नहीं है, क्योंकि हम मीडिया वाले हैं और हम लोग निष्पक्ष बात ही बताएंगे। जब एक ट्रांसपेरेंसी एक होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं पारदर्शिता लाने के लिए कटक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 150 करोड़ के प्रोजेक्ट को लेकर टेंडर प्लॉट करना था एवं टेंडर पास कराना था, जो सरकारी विधि विधान है L1 L2 इत्यादि उसी हिसाब से उनको करना था, लेकिन ये लोग टेंडर फ्लोट किए नहीं, कोई डीपीआर बनाए नहीं, चुपचाप गुपचुप तरीके से 4 सरकारी संस्थाओं को ये लोग सारा प्रोजेक्ट 150 करोड़ का दे दिए। अब बात ये है कि वो जो यहाँ के जो विधायक है अपोजिशन पार्टी के, उन्होंने तो बोला कि 30% मेयर के पॉकेट में पैसा जाता है, मैं उन सब बातें के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। सीधी बात है, स्वच्छता के हिसाब से, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से, ऑनेस्टी के हिसाब से मेयर को काउंसिल को अंधेरे में नहीं रखना था, काउंसिल के पटल पर सारी बातें स्टार्टिंग से ही रखनी थी,
एवं टेंडर प्लॉट करना था, टेंडर के हिसाब से जो भी काबिल आदमी होता उसको आप देते। यहाँ पर अब जो सरकारी संस्थाओं को दिया गया है उसमें सरकारी संस्था कितनी कितनी क्लीन है क्या अनक्लीन है वो सब जानते हैं, और जो इनको जो मिलना है वो सब सरकारी संस्था वालों से भी मिल जाएगा। अब ये सरकारी संस्था जो चार मिला, जैसे उड़ीसा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, उसमें एक उड़ीसा स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन इत्यादि, जो चार सरकारी संस्थाओं को ये जो चार पूरे 150 करोड़ की ठेकेदारी दी गई है, वो लोग क्या करेंगे, आप टेंडर करेंगे तो वो लोग करेंगे तो वो लोग भी भैया पैसा तो देंगे, बिना पैसा में यहाँ कोई दुनिया में काम करता है क्या? चारों सरकारी संस्था चाहे 10% ले 15% ले, ऑफिशियली मैं बात कर रहा हूँ, अगर उतना भी 10% भी दिए तो 15 करोड़ गया, 15% दिए तो 22.5 करोड़ गया। तो आज ये जो 15-20 करोड़ 25 करोड़ रुपया जो भी जाएगा, ऑफिशियली मैं बोल रहा हूँ ये बातें, जो जाएगा वो तो कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चला गया, कटक के लोगों का टैक्स पेयर का पैसा चला गया। इन सब बातों के मद्देनजर काउंसिल को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था, और मेयर को मिस्टर क्लीन साबित होना चाहिए था। ये सारे कामों से इस मालूम होता है कि कहीं बड़ी अंधेरगर्दी है, और अंधेरगर्दी में काफी कुछ घोटाले की भी संभावना दिख रही है। तो ये सब काम कटक के लोगों के लिए, कटक के भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए अच्छी बात नहीं है। ये क्या एक अच्छी नजीर, अच्छा उदाहरण मेयर ने कटक के लोगों के सामने, कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया है? मेरा यह कहना है, मानना है, मैं भी खुद काउंसिलर भी रहा हूँ 1979 काउंसिल में, और काउंसिल लोगों के अंदर मैं अपोजिशन लीडर भी रहा हूँ, मुझे सब काउंसिल के अंदर के क्या क्या बातें होती है क्या नहीं होती है। हमारे जमाने में भी जब कभी उनको मतलब रूलिंग पार्टी को जब बचना होता था तो वो लोग बोलते ये काम होगा डिपार्टमेंटल, जो उस समय डिपार्टमेंटल बोला जाता था वही आज सरकारी ठेकेदारी का दिया गया है। तो इससे क्या होता है कि ये अपनी मनमानी करेंगे, गुपचुप में करेंगे, कोई जैसे काउंसिल में सवाल पूछने वाला नहीं होगा, कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। लेकिन ये सब काम जो है एक गलत परंपरा, गलत तरीका अपनाया जा रहा है, और इसमें भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही है। इसलिए भ्रष्टाचार से बचने के लिए, अपनी छवि को बेदाग साबित करने के लिए भविष्य में मेयर को सावधान रहना चाहिए, ये मेरी मीडिया के हिसाब से मेरी उनको सजा है। बाकी कटक के भी लोग सब जागरूक हैं, बीच में अभी 5-7 दिन हो गया जो मीडिया में जो जब खबरें आ रही हैं वो लोगों में भी काफी जैसा मालूम हो रहा है संतोष फैल रहा है, और आगे जो जो ये काम बढ़ेगा त्यूती और सब बातें सामने आएगी, तब ज्यादा लोगों के सामने आएगी और ज्यादा लोगों के अंदर जागरूकता फैलेगी। अब ये आने वाले समय में 8-9 महीने में चुनाव भी है उड़ीसा असेंबली के और पार्लियामेंट के, उस समय ये काम कैसे जल्दी जल्दी करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे और साथ में अपने पॉकेट भी भरेंगे। इसी बात इन्हीं बातों को मद्देनजर ये सब काम किया गया है, इससे साफ साफ मालूम पड़ रहा है। लेकिन इनको चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी काम में नीट एंड क्लीन के हिसाब से भविष्य में काम करें। धन्यवाद, अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन अवश्य दबाइए। Thank you.